सो जय श्री राम दोस्तों। तो इस बार हम जा रहे हैं घूमने के लिए वापस गाँव। हालत हालत क्या हुआ? बैग इतना भारी क्या बताऊँ मैं भी। वैसे तो इस बार मैं और क्लिशी बन तुम गेस तो तुम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं गाँव पर दोनों साथ में। वो जा रहे बनारस मतलब कि मुंबई से बनारस जा रहे हैं हम लोग। और हम लोग सिर्फ दो ही लोग इस बार। अगर तुमको देखना है टिकट नहीं है हमारे पास, टिकट भी नहीं है भाई। हमारा तो सीट मिलने कंफर्म हुआ नहीं है, बट हमको जाना सत्तर पेपर है हमारा। हम एग्जाम के लिए जा रहे हैं। एग्जाम के लिए पावर मिल रहा था। वैसे मैंने कॉलेज से परमिशन ले ली है, तो अगर हमारा एग्जाम भी मिस होता है अगर इंटरनल्स तो प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो बाहर आ गए यार, वापस अंदर जाएंगे थोड़ी देर में। यूएससी में टिकट निकाल रहा हूँ, वहाँ से जाके पहले वहाँ पर हम टिकट निकालेंगे और फिर मैं मिलता हूँ तुम लोग से। वो भीड़ है यार सुबह सुबह भी, मैं बता रहा था भीड़ होगा। वैसे सिर्फ मैं अगले ट्रैवल कर अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो देखते हम लोग कैसे जाते हैं, क्योंकि सीट पर टिकट तो है नहीं, सीट भी नहीं हमारे पास। लेट्स सी क्या होता है आगे, क्या पता कितना फाइनल मारता बाद ऊपर। वैसे यहाँ मैं टिकट निकाल लेता हूँ, ये तो निकट निकाल मिलता हूँ। इस बार लगता है अब अभी तो पर खा लेता स्टेशन, तुमको मैं दिखाऊँ थोड़ी देर में खा लेता, आपको भीड़ होगी वहाँ पर। यहाँ पे चल अभी तो पर खा लेता स्टेशन, अभी तो स्टेशन खा लेता। ट्रेन आने में यही वाली क्या ये नहीं होगी ना भाई? हमारे पास टिकट नहीं, हमने टिकट लिया लोकल का, तो हमारे पास चालू टिकट है। चालू टिकट हमको मिला 350 का, 1% का हम दोनों ले लिया। उससे पता क्या होगा, उससे ये होगा कि जो हमको टी टी फाइन मारेगा मतलब जो मुझे रिजर्वेशन में, तो कम फाइन मारेगा हमको टी टी। गाड़ी नंबर क्या है? वीडियो इतना हो गया, इससे क्या होगा हमारे साथ? तो दोस्तों ये देख रहे हो तुम लोग, हम लोग भीड़ में बहुत हमारे नया बना है भी और यहाँ पर सब सब यूपी बिहार। अरे जो नीचे सोया हमारे ये देखो, ये बहुत मस्त आदमी है, बहुत अच्छा लगा हमको। तो इसी ने ऐसा हुआ कि हम लोग अंकल क्या करेगा भाई, क्या करेगा क्या कर सकते, मैनेज करना पड़ता है। तो हम लोग चढ़े थे कल्याण से और लोगों ने टिकट लेके और फिर हमने फाइन मारा, 600 रुपये का टिकट बनाया हम लोगों ने। अब उसके बाद देखते हैं जगह जाए बिल्कुल, ये देख रहे बाल्टी बैठे खड़े खड़े जा रहे हैं हम लोग नीचे। तो टाइम पर ऐसा हो गया कि हमारा ये वो दोस्त मिले, बट में ऐसा टाइम पर होता नहीं हमारा दोस्त मिले, इससे टाइम पास हो रहा है हमारा। तो चंगू भी दोस्त हमारे अभी थोड़े मदहोश हैं, रशियन देख लिया लोगों ने अभी। और इनका नाम भाई, तुम्हारा नाम क्या है? प्रेम, प्रेम कुमार भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं। अभी इनके घर पे जाएंगे खाना ना खाने इनके घर पे जा रहे हैं हम। और कहाँ पे? कहाँ? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जाएंगे, उधर से खाना पीना खा के फिर हम लोग उधर से निकलेंगे, फिर उधर से वाराणसी, मतलब हम लोग का पूरा पूरा दिन दोस्तों के बाद मिलता है नाशिक उतरूंगा तब। ठीक है, अरे गिर रहा है ये, तो सारा सो ही गया, देख रहा है ये हाल क्या है, ना उधर बैठे हुए और बिल्कुल जगह नहीं बैठने के लिए। कंडीशन बहुत खराब है, हम चना खा रहे क्या कर सकते हैं। कुछ भी खोल देता है तो आंटी हो रही है प्रॉब्लम, मेरी बैग में लैपटॉप मेरा दोस्त लोग से पूछा सोने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, आधी नींद में सोने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। अरे इसका देख, ये तो भाई वहाँ मतलब अलग ही इंसान है, टाइट हो गया है। सुबह से पिया था, सुबह से पी के निकला था, सुबह से अभी इसका ये हाल है यार। हम कब से वेट कर, अभी भी 10 बज रहे हैं, हमको जाना का दूर है। 10 बज रहा है? 10 ही बज रहा भाई, 10 टाइम ही खत्म कर रहा, कब से वेट कर रहा हूँ।
साला हमारा आज स्टॉप तक सुबह आएगा। भाई ड्रम भी रख लेके आ गया था, तीन तो बजे यार आज बजे पता भाई ड्रम आ गया, जुगाड़ हो गया इसका, ड्रम पे सोएगा। दोस्तों बैग का इंतजाम कर रहे लटकाने का, शिवम को पकड़ने के, शिवम पकड़ रहे पहले टैकल पर। अरे आने जो लोग जरूरत नहीं रहेगी क्या भाई भाई मैं सकता हूं तुम तो यार अभी नहीं हो रहा है उसका, उससे होता है क्रासिंग वाला पार्ट रहता है ना भाई। तो दोस्तों हम लोग बैठे हुए अभी, सब हम लोग YouTube पे वीडियो बनाते हैं ना, हम लोग यहां पर सब बैठे हुए ग्रुप में आते नीचे बैठे हुए बहुत, हम लोग पानी पी रहे पीने दे पानी, ये हमारे नए दोस्त बने ये सब, यंग का कुम कराने हैं तीसरी बार सोएंगे अब। सही है सही है, जा जाएगा अरे पूरा शरीर का भार लग जाएगा, कितना क्रासिंग मार रहा है भाई, ये क्या बोल रहा हूं आधा रास्ता, मतलब हमने पार कर लिया, अंकल आधा रास्ता सोते हुए आए हैं, हमारे अंकल सोते हुए आधे रास्ते, और अभी ट्रेन में फंस गए थे बीच में। बाकी अभी हम लोगों ने पानी का बॉटल लिया है, हमको पानी का बॉटल दिया था इन लोगों ने, कम 30 रुपए का एक बॉटल दिया, 20 का गया था हमको, तो हमने इनको कंप्लेन किया पहले, तो कंप्लेन किया ना डर गए लोग, हमको पानी कितना दिया इन लोगों ने 15 रुपए बॉटल दिया भाई, लोग कंप्लेन किया कमरे तभी मानते हैं। बात हम लोग इटारसी में और यहाँ पर अखिलेश है भाई, बहुत तगड़ा वाला भीड़ है इसके अंदर, पूरा रिजर्वेशन नहीं किया हम लोगों ने भाई, लगता है हम लोग चालू में पड़े, गाड़ी पूरी गाड़ी भरी हुई है हमारे अंदर से भाई, क्या साउंड कितना बाहर आ रहा है आवाज, दही भी लेने गए हैं, हां दही कुछ ले, तू ले लेते कुछ ले लेंगे, ले लेते खाने के लिए भाई, हम लोगों ने टिकट ले लिया मैंने मार टिकट लिया, लस्सी लेने गए क्या, ठीक है श्रीखंड कितना वाला है, मैं लेता हूँ, लेगा खाया एक ले ले फिर भाई, मेहमान वाली है हमारे, कितना अंकल 40 ना, नहीं होगा चलता है उसे दे, ये उसे कुछ दे उसको, अरे बोला कपड़ा पहनो अंकल, क्या कर रहे हैं सब, हाँ हाँ मौसम ठंडा हो गया है, और अभी हम लोग यहाँ पे इटारसी में, यहाँ से भी अभी तक कम से कम 12 किलोमीटर और है, फिर 12 घंटा रास्ता और है, कह रहे यहाँ से भी 12 घंटा रास्ता है ना, और 12 घंटा और बढ़ जाना हमको, ये अपना ये भूल के कर अपना कौन सा कोच है भाई, अपना तो ये वाला सीट बेल्ट से याद रख ले, थोड़ा बोल जाएंगे क्या अच्छा कर रहे हो मैं भाई, तूने कहाँ लिए रे CST भाई, यहाँ बहुत शोर मालूम तुम मिलते स्टार्ट है, तो दोस्तों को सीट मिल चुकी है, और हमारे कुछ नए नए फ्रेंड बने, आज हमारा इनका नाम नाम बताइए, अंकुश गुप्ता, तुम्हारा नाम भाई, अंकुश गुप्ता, अंकुश गुप्ता भाई हमारे प्रेम भाई नजरी है, प्रेम की नैया, वैसे तो ये सब लोग हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, क्या बोलते हैं अयोध्या अयोध्या घूमने जा रहे हैं, मतलब हमारा पेपर के बाद सब एग्जाम चेंज हो गया, सब लोग एग्जाम वाले हैं, सब एग्जाम वाले हम लोग, पेपर देने नहीं जा रहे हम लोग, अयोध्या जा रहे हैं सब लोग घूमने, इसी बहाने पेपर तो बहाना, इसी अयोध्या जाना है, कोई देख लो सबको, ये हमारे नए नए फ्रेंड मिले, हाँ अभी भी हम लोग बनाए, और हम लोग सब जा एग्जाम देने के लिए, और सीट जो कैसी मिली हम लोग को, अंधेरा अंधेरा ठीक है यार, सब कुछ मैं दिख रहा हूँ सर, हाँ चलो मैं तुमको बाद मिलता हूँ घर पे जाके, अभी रात भी थोड़ा ना रिकॉर्ड करूँगा मैं, है ना, रात को अंधेरा भी हो गया जाता है, हम दिख भी नहीं रहे, सुबह मिलेंगे, चलो चलो भाई, अपने को साथ में उतरना है, चलो भाई। तो दोस्तों हम लोग यहाँ खाना खाने की तैयारी कर रहे थे बैठ के,
बहुत मुश्किल जगह मिली थी बैठने की, बैठ गए हम सभी। चलो भाई तुम्हें खाना होने बाद मिलता हूँ मैं, मार तो पूरी हो गया भैया। चलो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इलाहाबाद और अखिलेश को मैंने गाड़ी में छोड़ दिया पीछे, अखिलेश पीछे वाली गाड़ी में, और अखिलेश समझ नहीं आ रहे हम लोग जा रहे हैं क्योंकि अगली जगह बनारस में सुल्तानपुर, मेरे मामा बनारस में रहते हैं तो वो अखिलेश उन्हें यहाँ पर ले लिया, बट मैं जाना था वहाँ पर, बट क्या हुआ कि मैं वहाँ पर जाऊँ बनारस, वहाँ से चार घंटे जाने के लिए, फिर मैं वहाँ से आऊँगा वापस तो मुझे ज़्यादा टाइम हो जाएगा और मेरा एग्जाम ना 17 को ही है तो मुझे लेट हो जाएगा। फिर मैं जाने रहा हूँ इलाहाबाद से ट्रेन पकड़ रहा हूँ, मैं जाऊँ सुल्तानपुर डायरेक्ट, यहाँ से 2 घंटे लगेगा सुल्तानपुर, तो अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड पर, बस स्टैंड पर बैठूँगा और ये मेरे साथ में ही है तो मेरे को ये लोग बस स्टैंड पर बस बैठा देंगे सुल्तानपुर वाले। बाकी कोहरा कितना कोहरा भाई, हैवी कोहरा है यहाँ पे गाँव में, हैं गाँव में ठंड ज़्यादा है, शर्मा रहे बोलने में जाएंगे एक्चुअली में जाना था मामा यहाँ पे, बट मामा यहाँ बनाना चाहता था, चार घंटे लग जाता वहाँ जाता, मैं दोनों ही आराम करता, उसके बाद जाता मैं दो चार टाइम लगाता, मैं प्रिफर करता इसलिए मैं जाता सिविल लाइन। सुल्तानपुर से कूड़े भर जाऊंगा यहाँ से, और ये बस है कुछ ऐसी वाली यहाँ से मैं निकलूंगा, पहले यहाँ जाऊंगा प्रतापगढ़, मतलब कि ये अयोध्या वाली बस है, बस अयोध्या के लिए, यहाँ से अयोध्या जाएगी तो उसी बीच में कूड़े भर जाऊंगा, मैं स्टॉप कूड़े भर वहाँ उतर जाऊंगा मैं भाई, कुछ वॉल्वो की बस है, इस प्रकार की बस है, उसी प्रकार की बस है ये टाइम, मतलब कि हमें वो ले जाएगी, अभी मैं प्रतापगढ़ में यहाँ से लेते जाते मुझे जाएगी, मतलब सुल्तानपुर छोड़ते छोड़ते कूड़े पास छोड़ते अयोध्या निकल जाएगी बस, ऐसी बस है ये, ठीक है देखते हैं। बाकी ऐसी बस है, इसका फेयर मेरे को पड़ा है 365 रुपीज़ इसका पड़ा मुझे फेयर, ठीक है जो ट्रेन का फेयर सेम पड़ता था, ठीक है तुमको मिलता कूड़े बाहर, कूड़े बाहर से मैं जाऊँगा क्या बोलते हैं वहाँ रिक्शा कर लूँगा, तो फिर क्या जो मिलता है इलेक्ट्रिक का मुझे पहुँचा देगा, एड कर लिया हूँ क्योंकि घर पे अभी आराम करना पड़ेगा, मैं तो ब्लॉग एड नहीं कर पाऊँगा इसलिए मैं ब्लॉग ना बस में एड कर लूँ, मुझे अभी यहाँ पे 3 घंटे लगे जाने के लिए, तो सोचे कि ब्लॉग एक बस में एड कर लूँ, बस में टाइम है तो बैठे बैठे मैं ब्लॉग एड कर लेता पूरा, तो आधा ब्लॉग एड हो चुका है, थोड़ा जो बाकी है वो मैं अभी कर लूँगा, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम हुआ है, तो आज मैं प्रतापगढ़ पहुँच चुका हूँ और अब यहाँ से थोड़ा और टाइम लगेगा पहुँचने के लिए सुल्तानपुर, तो वहाँ तक हम वेट करेंगे और ज़्यादा मुझे 2-3 घंटे लगेगा पहुँचने के लिए, क्या बोलते हैं कूड़े पड़ता है, तो देखते हैं। बाकी तो ब्लॉग में एडिट हो ही रहा है तो टाइम ब्लॉग मिल जाए, ब्लॉग वाले 4K में तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास तो डाटा पैक नहीं है कि 4K ब्लॉग अपलोड कर पाऊँ, तो सोच रहा हूँ कि 1080p में कर दूँ, तो क्या मुझे साइज़ छोटा पड़ जाएगा तो मैं इसको इजीली अपलोड कर पाऊँगा, लेट्स देखते हैं क्योंकि मुझे क्वालिटी भी गवानी नहीं है, ब्लॉग एडिट करना है अपलोड करना अच्छे से, तो जैसे क्या करते हैं हम लोग, वैसे चाहूँगा तो मैं इसको 1080p में करूँगा ज़्यादातर 80p चांसेस हैं क्योंकि इतना मेरे डाटा है नहीं कि मैं इसको ट्रैवलिंग में इसको मैं 4K में अपलोड कर पाऊँ, तो लेट देखते हैं, मैं तुम्हें बाद मिलता हूँ, तो मेरा मोबाइल चार्जिंग में कम है। सो दोस्तों अभी बस का थोड़ा होल्ड है 10-15 मिनट का, तब तक हम लोग चाइना से कर लेते हैं, बाकी ये वाली बस है, ये वाली बस यहाँ पर हम चाइना से कर लेते हैं, तो अभी मेरी मामा बात हो गई है तो मामा ने बोला जैसे कि सही किया है तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, मुझे ज़्यादा 1 घंटा लगेगा और, तो थोड़ा चाय नाश्ता करके निकलते हैं हम लोग। भाई मेरे मोबाइल में चार्जिंग कम है 10% दिए, यहाँ पर चार्जिंग के लिए पोर्ट भी है बट मुझे पता नहीं था तो मैंने पूछा ड्राइवर को, ड्राइवर बोलते हैं कि तुम्हारे सीट के अंदर ही पोर्ट है चार्जिंग का, तो फिर चार्ज कर सकते हो। बाकी कोहरा तो बहुत है, कोहरा बहुत ठंडी भी है, ठंडी इतना लग नहीं रही मुझे, एक्चुअली ठंडी मुझे इतना लग नहीं रही क्योंकि ना मेरे कान में ठंडी लग नहीं रही, मैं स्वेटर पहन लिया ये मतलब कि जो लिया मैंने बॉम्बर वो तो ठीक है। बाकी मैं यहाँ से चाय नाश्ता कर लेता हूँ,
फिर निकलता हूँ मैं यहाँ, वॉशरूम मशीन जाना है, वॉशिंग जा सकते हैं हम लोग। निकलता वैसे ये बाइक डायरेक्ट अयोध्या की है, लोग अयोध्या जा रहे इससे, बट मेरे को तो बीच में रुकना है, अयोध्या हम बाहर भी जाएंगे। अंकल क्या क्या है? अंकल क्या क्या है? समोसा, छोला, चाय, पकौड़ा। क्या हो चाय यहाँ से? ठीक है, पहले टोकन लेना पड़ेगा। अंकल चाय का टोकन चाहिए? चाय का कैश नहीं होगा? कैश, चाय का टोकन कैश। गूगल पे करो क्या? ठीक है, एक चाय चाहिए। नहीं नहीं कैश मतलब कि वो चाय का टोकन लेना, चाय पी लेते अभी फटाफट यहाँ से, यहाँ चाय का टोकन देके। तू ना हर जगह आजकल टोकन वाला सिस्टम है, चाय टोकन दे। अंकल चाय का टोकन। तो एक बार चाय ले लेते हैं, फिर चाय पी के बस आराम कर लेंगे, यहाँ बैठने की जगह है। सोच रहा हूँ खाओ कि ना, खा लूँगा तो फिर क्या थोड़ा पहले वहाँ जाकर खाना मुश्किल होगा मेरे लिए। लेट से कुछ खाने में कुछ खा भी लेते हैं, बस चाय पर चाय पीना कंपल्सरी है, चाय के बाद चलता नहीं है। तो यहाँ से भी कम से कम एक घंटा मुझे लगेगा पहुँचने के लिए, तो एक घंटे में वेट एक वेट कर लेता हूँ। समोसा छोला या? हाँ सर, समोसा छोला पकौड़ा सब। तो इसके लिए टोकन लेना पड़ेगा? हाँ टोकन लेना। तो ये चाय का टोकन ले लो, चाय का टोकन। हाँ चाय चाय का ले लो, मैं लेके आता हूँ। तो समोसा छोला भी खा लेता हूँ, एक अच्छा लगा देखने मेरे को। तो मैं समोसा और छोला लिया हूँ और एक चाय लिया हूँ। तो फटाफट फटाफट ये खा के हम निकलते हैं, और मेरे मोबाइल में चार्जिंग 6% है, तो अगर वो ख़त्म हो गया तो मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊँगा। वैसे मुझे 20 रुपये पड़ा है और 10 रुपये पड़ा है। तो फटाफट खा के निकलता हूँ, पानी बोतल में जिम ही अंदर ही है। ठीक है, मिलते हैं बाद में, बाय। तो चाय नाश्ता मैंने कर लिया अभी, अब थोड़ा सा अब वेट करेंगे बस चलने का। उसके बाद बस चले गए, फिर एक घंटा ज़्यादा है लगेगा हम पहुँचने के लिए कुड़वा, तो एक घंटे में पहुँच जाएंगे। वैसे क्या समझ नहीं करना चाहिए क्योंकि शायद से ये सुल्तानपुर की नहीं जाएगी। अंकल ये सुल्तानपुर जाएगी? सुल्तानपुर कि वहाँ से बाईपास होगी? सुल्तानपुर के जाएगी, सुल्तानपुर से नाका बाईपास से गोरखपुर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नाका बाईपास होगी वो। तो लिट्टी की मैं पहली बार बस में बैठ रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं कहाँ लेके जाती है, तो मैं कंडर से पूछ लूँगा कहाँ रुक रही है बस। ठीक है भाई, चार्जिंग के लिए यहाँ पोर्ट ऐसा ऐसे एक है ना अंकल? ठीक है, फोन चार्ज फोन में चार्ज बिल्कुल नहीं, मैं आगे ब्लॉक कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, चार्जिंग नहीं देखे तो मैं पहले फोन चार्ज करता हूँ फिर तुमसे मिलता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ फ्रेश हुआ, मूव हुआ वहाँ पर, दोस्तों कूड़ा पहुँच गया हूँ मैं। तो अभी बस टाइम वो छोड़ा है, अब यहाँ से रिक्शा पकड़ूँ 10 रुपये का, यहाँ घर पर तो रिक्शा पकड़ते हैं घर पर आते हैं। तो मैं अभी पहुंच गया हूँ कूड़े बाहर, अब यहाँ से मेरा घर 5 मिनट दूरी पे। तो यहाँ में ये रिक्शा है, इलेक्ट्रिक रिक्शा, इसको इलेक्ट्रिक रिक्शा बोलते हैं। तो यहाँ मैं बैठ गया हूँ, यहाँ 10 रुपये लेगा और मेरे घर के जस्ट सामने छोड़ देगा, तो वहाँ पर फिर मैं पहुँच जाऊँगा। और अकेले ही पहुँच गया बनारस, मामा को बोला था मेरे को कि अकेले पहुँच गया है। ठीक है, देखो हमारे कूड़े भाग ठीक है, तुमको मैं घर पहुँच के मिलता हूँ। ठीक है, अगले मैं बस लोग भरेंगे यहाँ पे, लोग खाली है, भरा नहीं ना, ये लोग भरते फिर पहुँचते। ठीक है दोस्तों, मैं आ गया हूँ, तो मैं आ गया हूँ गांव में। वो साफ सब लग रहा है यार, नानी घर मेरा मेरा। अब चलो नानी से मिलते हैं, मैं बुलाता हूँ उनको। अम्मा आई गए, बंद ना खुला हुआ है, छुड़ा गए लोग। हाँ खुला हुआ है, भले बोल आ गया ना, तो के ना बाहर में घूर कर रहे थे। हमें वाली वही क्या है, तो चलो मैं तुमको फ्रेश बात नहीं करूँगा। तो मैं नहा धो के फ्रेश होकर मस्त खाना खाने बैठा हूँ, तो ये ब्लॉग तो मैं यहीं एंड करता हूँ। अभी मैं यहाँ धूप में मस्त धूप में खाना खाऊंगा क्योंकि बहुत ठंडी लग रही है यहाँ पे, और अभी नहा धो के आया मैं, और धूप में खाना खाएंगे थोड़ा, ताकि थोड़ा सा
जाने नहीं जाए, अभी नानी ने पानी लगा रखा है, नाचा लगा रखा है, तो खा रहे नानी, तो खाता हूँ फिर तुमको मैं अगले ब्लॉग में, अभी इतना ही ठीक है। और कुछ हुआ शाम को मैं गया खाने वाने के लिए, फुल्की विल्की चाट बाट गाँव भी, और ना फिर बाय बाय।